दोस्तों, अगर आपके भी सामने ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप लोग यूपीआई पिन सेट कर रहे हैं तो आपका यूपीआई पिन सेट नहीं हो पा रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप लोग अपने फ़ोन पे में यूपीआई पिन को सेट कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग क्या करेंगे, ट्राई अगेन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको हटा देना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही आप लोग मतलब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि सेट यूपीआई पिन का बटन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यूपीआई पिन सेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उस बैंक का एटीएम भी होना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास एटीएम है हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। हम क्या करने हैं, यूपीआई पिन सेट करने वाले हैं। दोस्तों यूपीआई पिन सेट करने के लिए आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रख के ही यूपीआई पिन सेट करना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सेट यूपीआई पिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप चाहें तो आप लोग आधार कार्ड से भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड से क्लिक करने वाले हैं। आप लोग क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपने एटीएम कार्ड के लास्ट के 6 नंबर डालने होंगे और यहाँ पर उसकी डेट डालनी होगी और यहाँ पे आपको जो एक्सपायरी डेट होती है ना एटीएम कार्ड की, वो आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, अब आपके पास एक बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा। ओटीपी आप लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ओटीपी डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको हटा देना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या लिख कर आ रहा है कि सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन। तो आप लोग क्या करेंगे, 6 डिजिट का यूपीआई पिन डाल देंगे। ठीक है, यूपीआई पिन आप लोग को बिल्कुल सही डालना, मतलब जो भी आप लोग बनाना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करना है, देन आपको क्या करना है, सेम यूपीआई पिन दोबारा से डाल देना है। ठीक है, अब दोस्तों यूपीआई पिन डालने के बाद आपको सिंपल से नेक्स्ट के बटन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो यूपीआई पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। देख सकते हैं यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट। अब आप लोग चाहें तो अपना यहाँ पे मैसेज भी देख सकते हैं, आ चुका है हमारा यूपीआई पिन सेट हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने बैंक का यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं और किसी किसी में एटीएम का पिन भी मांगा जाता है, लेकिन आप लोग वो पढ़ के कीजिएगा, साइट डिटेल पढ़ के ही कीजिएगा, उसके बाद ही आपका यूपीआई पिन सेट हो पाएगा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कि न्यू वीडियो में।